नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर टेक्निकल शर्मा जी पे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है लैपटॉप कंप्यूटर यूज़र हैं, हो सकता है कि आप जो है अपने लैपटॉप में लॉगिन करने का पासवर्ड भूल गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और इसका जो है सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे कि कैसे जो है आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ लॉगिन पेज ऑन हो चुका है। अभी जो है हम यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालने जा रहे हैं। देखिएगा, लॉगिन पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे इंटर प्रेस करते ही एरर आएगा। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। तो यहाँ पे जो है हमने कोशिश किया था पासवर्ड डालने का लेकिन एरर आ गया। नीचे में जो है आपको ऑप्शन मिलता है रीसेट पासवर्ड का, लेकिन दोस्तों रीसेट पासवर्ड पे भी हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी एक एरर जो है यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि दोस्तों रीसेट पासवर्ड करने के लिए जो है आपको फ्लैश ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो है आपके पास एक्सटर्नल फ्लैश ड्राइव है तो आप जो है यहीं से इसको रीसेट कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों आज के समय में जो है फ्लैश ड्राइव सभी के पास नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे जो है दूसरा तरीका अपनाएंगे। देख सकते हैं राइट साइड कॉर्नर पे मिडिल वाले ऑप्शन पे आप जो है लेफ़्ट बटन क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपका जो है यहाँ पे जो है फोल्डर आपका ओपन हो चुका है सी ड्राइव का। अब दोस्तों यहाँ पे जो है सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना होगा कुछ यहाँ पे कमांड। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी के लिए यहाँ पे जो है आपको COPY लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है COPY लिख दिया है, स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आपको जो है यहाँ पे यूटिल मैन लिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको साफ साफ दिखाना चाहता हूँ स्पेलिंग, जिससे कि आपको जो है किसी भी तरीके का गड़बड़ी फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे जो है चलिए लिखते हैं utilman.exe आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो है आपके सी ड्राइव विंडोज़ सिस्टम 32 फोल्डर में जो है आपको ये फोल्डर मिल जाएंगे। तो हमें जो है कमांड के थ्रू इसको जो है एक्सेस करना है। तो यहाँ पे जो है हम कॉपी करें utilman.exe को utilman1.exe में। तो यहाँ पे हमने जो है utilman1 लिख दिया था .exe और इंटर प्रेस कर दिया है। आपको जो है वन फाइल कॉपीड का ऑप्शन आ गया होगा। मैं जो है आपको लास्ट में ओवरऑल टोटल दिखा दूंगा, पहले जो है चलते हैं उसी के नीचे। आपको फिर से टाइप करना होगा कॉपी cmd.exe। मैंने जो है यहाँ पे cls कर दिया था इसलिए जो है पहले वाला कमांड डिलीट हो गया है, लेकिन आपको cls नहीं करना है। वन फाइल कॉपीड लिखा होगा उसके नीचे ही आपको जो है फिर से लिख देना है कॉपी cmd.exe स्पेस cmd1.exe। फिर से इंटर कर देंगे, वन फाइल कॉपीड का आपको जो है यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर से उसके नीचे जो है आपको फिर से टाइप करना होगा del यानी कि डिलीट। तो del आपको जो है टाइप करना होगा utilman। तो हमने जो है del utilman.exe यहाँ पे टाइप कर लिया है और इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ था मोबाइल से, तो मैं आपको जो है स्नैपशॉट दिखाता हूँ कि आपने जो भी कमांड टाइप किया था उसका व्यू आपको ऐसे मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले आपने utilman.exe utilman1.exe किया, वो कॉपीड हो गया। कमांड को भी आपने जो है कॉपी किया तो वो भी कॉपीड हो गया। लास्ट में आपने जो है utilman को डिलीट कर दिया था। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको जो है फिर से कमांड टाइप करना है उसी के नीचे। यहाँ पे जैसे कि आपको लिखना होगा कंट्रोल स्पेस यूज़र पासवर्ड्स। यूज़र पासवर्ड जो है एक ही में रहेगा, स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। और पासवर्ड में भी 2 आगे आपको लगा देना है, यानी कि यूज़र पासवर्ड्स 2। इंटर प्रेस कर देंगे, आपके सामने जो है यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा जो कि आपका यूज़र अकाउंट है। यहाँ पे जो है पॉपअप ओपन हुआ है, इसमें जो है आपका जो भी लॉगिन आप करते थे उसका जो है यहाँ पे लॉगिन नेम होगा, लॉगर नेम है। देख सकते हैं कि मैं जो है एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रहा था, आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ है। सिंपली दोस्तों आपको जो है इस पॉपअप पे कुछ नहीं करना है, ऊपर में आपको जो है एडवांस्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें जो है एडवांस्ड के ऑप्शन पर जाना है, हमने जो है एडवांस्ड पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जो है आपको नीचे में फिर से एडवांस्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको जो है फिर से एडवांस्ड पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया टैब ओपन होगा, नया पॉपअप ओपन हो चुका है। उसके बाद जो है आपको दो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं यूज़र और ग्रुप्स, हमें यूज़र्स पे चले जाना है। यूज़र्स पे जाने के बाद यहाँ पे जो है आपको सारे यूजर्स दिख जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है लॉगिन करता था एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है। आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो सेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, हमें जो है यहाँ पे सेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो है आपसे फाइनली नीचे जो है प्रोसीड का ऑप्शन पूछेगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए आपका आ जाएगा ऑप्शन। हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन
किया था तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटर का हम पासवर्ड ही चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको न्यू पासवर्ड डालना है नीचे, कंफर्म पासवर्ड करके नीचे आपको जो है फाइनली ओके के बटन पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही नया एप्लेट आपके सामने आएगा जिसमें कि लिखा है योर पासवर्ड हैज़ बीन सेट, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद स्क्रीन पे सारे टैब जो भी ओपन है उसको जो है क्लोज कर दीजिएगा, इंक्लूडिंग ये कमांड प्रॉम्प्ट भी, इसको भी क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे साइड में बॉटम राइट में देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे शट डाउन कर देना है। मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस इसको रिस्टार्ट होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है रिसेट हमारा जो है फाइनली हो चुका है, अभी जल्दी हमारे सामने जो है फिर से एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पेज आ जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा लैपटॉप जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पेज भी आ चुका है। अब सिंपली जो है आपने नया पासवर्ड सेट कर लिया था तो चलिए यहाँ पर इंटर करते हैं नया पासवर्ड और देखते हैं क्या होता है। 4 डिजिट का पासवर्ड सेट किया था, इंटर किया, यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ आ गया है विदाउट एरर। अब देखते हैं कि हमारा स्क्रीन जो है ऑन होता है या नहीं। दोस्तों थोड़े ही समय में आपको पता चल जाएगा स्क्रीन ओपन हो रहा है या नहीं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा टास्क पूरा हुआ, हमारा जो है लैपटॉप ओपन हो गया है। हम पासवर्ड भूल गए थे लेकिन उसे जो है फिर से हमने रिसेट कर लिया है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस था दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Scream into